हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैप्पीनेस खुशी। हैप्पीनेस खुशी, हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैप्पीनेस वर्ल्ड। आई एम योर हैप्पीनेस खुशी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय पैम्परिंग रूटीन, जो मैं अपने आप को पैम्पर करने के लिए रूटीन फॉलो करती हूँ। मतलब डेली तो नहीं होता पैम्परिंग, बट या ऑन हॉलीडेज। सो मैंने सैटरडे और संडे को, मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मिक्स मैं एक वीक का पूरा पैम्परिंग अपने आप को कर लूँ। सो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ करती हूँ फॉर पैम्परिंग माई सेल्फ। सो जल्दी से, कोई भी टाइम वेस्ट करते हुए बिना, हम जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स वॉच। सो स्टार्टिंग विद दी हेयर ऑयल, मैं सैटरडे को अपने हेयर को ऑयल करती हूँ विद द ज़ेब्रा ऑयल B&T रेंज। ये काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ये मतलब ऑयल जो है वो हमें ऑनलाइन ही मिलेगा, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, 800 समथिंग आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। बट ये काफ़ी अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए, और इसके दो वेरिएंट आते हैं, वीकडेज और वीकेंड। तो अगर आप वीकडेज पे हेयर वॉश करते हो तो उसे यूज़ कर सकते हो, एंड वीकेंड पे फिर आप दूसरे वाले को यूज़ कर सकते हो। और ट्रस्ट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, हेयर ग्रोथ को मतलब कंट्रोल भी करता है, जो हमारे हेयर फॉल होता है, और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो सैटरडे को नाइट में मैं इसकी अच्छे से मसाज लेती हूँ, जिससे बहुत ही रिलैक्सिंग स्लीप आती है, एंड उससे काफ़ी अच्छा मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी हेड का अच्छे से हो जाता है मसाज के बाद। और फिर जब हम हेड वॉश करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइज। सो अब हम सबसे पहले मैं ना अपने फेस को पानी, ठंडे पानी में डिप करती हूँ, जिससे जो मेरे पोर्स हैं वो सारे ओपन हो जाएं, और काफ़ी जो इन्फ्लामेशन वगैरह होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो काफ़ी मतलब अच्छा फ्रेश फील होता है ये चीज़ करने से। तो यहाँ पे मैं वही दिखा रही हूँ आपको कि ठंडे ठंडे पानी में अपना फेस डिप करें, जितना हो सके आप कर सकते हो, एक दो बार कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। देन आप मेरी स्किन देख सकते हो, थोड़ी पफी रिड्यूस हो गया है। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एम कैफीन के फेस वॉश एंड फेस स्क्रब। दिस इज़ ऑल्सो नॉट स्पॉन्सर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ फेस को, देन उसके बाद फिर मैं फेस वॉश करूँगी इसी से, एम कैफीन के ब्रांड से। मतलब ये काफ़ी सही है, मेरा ऑयली स्किन है तो अच्छे से मतलब क्लीन कर देती है फेस को। यहाँ पे मैंने वॉश करने के लिए चली गई, आई एम सॉरी। And then you can see the difference. I'm so happy with my glowing skin. Then हमारा थर्ड स्टेप आता है फेस पैक का, तो वो मैं कभी कभी लगाती हूँ। मतलब ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वीक डेज पर लगाती हूँ, जब मेरा मन करता है कि हाँ मेरी स्किन थोड़ी गंदी हो गई तब मैं ये लगा लेती हूँ। तो क्या करना है, सिर्फ हनी लेना है और 2 टेबल स्पून हमें अपना बेसन लेना है, और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना, बहुत प्यारा सा पेस्ट है। और फेस को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, और जो बच जाएगा उसे आप हाथ और पैरों पे भी यूज़ कर सकते हो नहाते टाइम, और जब तक ये सूखेगा उसके बाद फिर हम अपना दूसरा मतलब इससे नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो कर लेंगे। तब सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे मैं अपना पेडीक्योर कर रही हूँ एक शैम्पू का पाउच डाल के पानी में। ज़रूरी नहीं गर्म पानी में डालूँ, क्योंकि अभी तो गर्मी है, तो मैं तो गर्म पानी अवॉइड कर रही थी, बट मैं ठंडे पानी में, मतलब अच्छे से क्लीन हो जाता है फूड वगैरह, हम इतना डेली बेस में ध्यान नहीं देते। और थोड़ी सी स्मूथिंग रिलैक्सिंग सॉन्ग भी चला लो तो मस्त माहौल बन जाता है, यू नो। देखो क्लीन हो गया ना एकदम। या तो फिर हम जाते हैं नहाने, मिलते हैं नहाने के बाद। यस, सो मतलब इस चीज़ को करने के बाद एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। एंड देन फिर मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ, जो कि अभी डेली बेस में नहीं हो पाता, जल्दी जल्दी में कॉलेज जाना है, इन सब ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देती है, बिल्कुल मन शांति वाली चीज़ होती है ये लिटरली, और मैं काफ़ी ज़्यादा करती हूँ। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा माहौल बना के, गाने वाने चला के, कैंडल वैंडल जला के हम पढ़ते हैं अपनी बुक। तो मैं करंटली ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, डियर स्ट्रेंजर यू डिज़र्व टू बी लव। इसमें सेल्फ लव के बारे में सब कुछ, और लिटरली बहुत अच्छी बुक है। तो इसको मैं इंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी के साथ, और मतलब इस बुक में भी काफ़ी इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें मतलब आगे अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो या ये मैं आपको कुछ कोट दिखा रही हूँ इसका, enjoy with me. So this was my pampering routine. I hope you like it. तो मिलते हैं कॉफ़ी पीने के बाद। तो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और आप भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा फील होता है अपने आप को पैम्पर करने के लिए। लव योर सेल्फ। सो या
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को और लाइक भी और कमेंट भी, बाय।